हेलो एवरीवन, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं डीपीपी नंबर 3। अब ये डीपीपी नंबर 3 किस चीज की है, तो ये आपने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था उसमें मैं आपको डीपीपी कराते जा रहा हूँ। आपने देखा होगा दो डीपीपी आपके सामने आ गई है और दोनों डीपीपी में जो क्वेश्चन के मात्रा थी वो 99 थी, यानी कि 18 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जिसमें से 17 आपको क्या कराए थे सर, पीवाईक्यू कराए थे। और जो वो पीवाईक्यू थे वो पास्ट नीट 10 इयर्स के पीवाईक्यू थे, तो आपको 10 ईयर तक के पीवाईक्यू लगा के जाना है एटलीस्ट कम से कम। आज जो मैंने कोई पीवाईक्यू नहीं ले रखा है, अगर होगा तो आप देख लेना, बट आज जो है मैंने ना सिर्फ 7 क्वेश्चन ही लिए जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और अगर आप देखो तो 28 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, पर आज मैंने इन क्वेश्चन में ज्यादा स्टेटमेंट दे रखी है, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराए ताकि आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। जो आज के क्वेश्चन है ना वो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, मैंने इसको जो है काफी अच्छे से रीड किया है। तो आइए जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पैटर्न पता होगा, अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आप अपने को +4 मार्क्स दीजिए और अगर आपके इनकरेक्ट होते हैं तो -1 कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, स्क्रीन को एक बार पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व कर लो। पहले आप क्या करो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो फिर वीडियो को देखना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉमनली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। अब आपको जो है इसमें बैक्टीरिया खोज के निकालना है और साथ में वो क्या करना चाहिए, STD करना चाहिए। तो काला अजार चेक करो क्या बैक्टीरिया है और फिर ये देखो कि क्या कहते हैं वो STD कॉज करता है। तो STD का तो कोई इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि STD मैंने आपको लिखाई थी वहां बैक्टीरिया द्वारा STD लिखाई थी। क्या उसमें काला अजार नाम का कोई बैक्टीरिया दिखाई दिया था आपको, वो जो STD कर रहा हूं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वाला भी नहीं दिखा था, ट्राइकोमोनियासिस वाला बैक्टीरिया नहीं दिखा था जो आपको क्या कहते हैं STD कर रहा हो, या आपको नहीं मतलब किसी को STD कर रहा हो। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, सिफिलिस, जो कि STD कॉज करता है। तो अगर आपका सी ऑप्शन है तो अपने को +4 दे, अन्यथा -1 करें। फिर क्या कह रहा है, हाउ डू पिल वर्क, पिल वर्क किस तरह करती है। पहला, ये इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को, चेक कर लेते हैं। फिर बी कह रहा है, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये लाइन तो बिल्कुल ही सही थी कि वो क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है स्पर्म ऊपर की तरफ मूव नहीं करता। तो बी ऑप्शन हमारा सी है ना, सही है, तो बी वाला ऑप्शन अभी देख लो। फिर कह रहा है बी यानी सही होना चाहिए। फिर कह रहा है प्रिवेंट द इजैक्युलेशन स्पर्म From entering the female vagina, ये भी सही है। Inhibit spermatogenesis, ऐसा तो कुछ नहीं करता, तो ये ऑप्शन आएगा बी एंड सी। तो अगर आपका सही है तो अपने को +4 दे और गलत है तो -1 करें। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आज आपके सामने आए हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाइएगा और अगर नहीं आ रहे हैं तो अपने नोट्स को जो है दोबारा रिवाइज करिएगा, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। मुझे प्यास भी लग रही है, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप क्या करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। गर्म पानी है, पी लिया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले बोल रहा है MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। देखो पहला ही स्टेटमेंट सही हो गया, तो आपको क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। यहां से पढ़ के आपको आगे बढ़ जाना है, पर ये आपको कब करना है, जब आप मेन एग्जाम में कर रहे हो। आपको क्या कहते हैं, पहला स्टेटमेंट अगर सही मिल जाता है और उसमें करेक्ट पूछा है तो ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, आपने इसको सही मार दिया, यानी ए को ही लगा दिया, पर नीचे तो आपको देखो स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा है, ए एंड सी है, ए एंड बी है, बी एंड सी है, या सी एंड डी है। आगे भी पढ़ो ना, आगे भी तो देखो, कह रहा है MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कंसिडरली सेफ जनरली, तो ये सही हो गया। फिर कह रहा है जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर निल अंटिल मदर, कह रहा है जब तक ब्रेस्ट फीड कराती इनटू इन्फेंट अप टू 2 इयर्स,
नहीं, 2 इयर्स तक तो था ही नहीं, 6 मंथ पढ़ा था। 6 मंथ तक जो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड होता है ना, जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है, वो अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वो 6 मंथ तक ही जो है सेफ माना जाता है, 2 इयर्स तक नहीं। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है सर, रॉन्ग है। फिर पूछ रहा है आईओडीज लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाँ ये तो सही लग रहा है। आगे चलो, कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस प्रिवेंट कंसेप्शन, नहीं, कंसेप्शन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। तो आप कह रहा है जब कोइटस कर लेते हैं उसके क्या 7 दिन बाद उसको लेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया सर, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने बचे, एक तो ए बचा, और क्या बचा, सी बचा कि कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखो ए और सी किसमें ऑप्शन है, तो सर ए वाले में था, तो ए वाला आपका सही होगा। पहले भी तो ए लिखा था पर वो ए ऐसा था, यहाँ पे जो ए है वो ए एंड सी करेक्ट है। आगे चलो, फिर कह रहा है मैच द कॉलम करो, फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको मैच द कॉलम यानी आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं और ये उसके ऑप्शन है जिससे आपको मिलाना है। पहला कह रहा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, अब आपको जो है पहले का आंसर सीधा याद होगा लिपेज लूप, तो ए का 3 देखो, ए का 3 कितने में है सर, ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। पहला तो गलत ही हो गया क्योंकि ए का 1 बोल रहा है, LNG20 वो नहीं होता, तो पहला लिपेज लूप में गए। फिर कॉपर रिलीजिंग, अब देखो फीमेल बैरियर पूछ रहा है, डी का 5 हो सकता है क्या, निरोध, नहीं, डी का 5 क्यों नहीं हो सकता सर, निरोध मेल कॉन्डोम होता है और वो मेल के लिए बैरियर होगा, तो फीमेल बैरियर डी का 5, देखो डी का 5 जहां आ रहा है वो ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो आपको ऐसे चलना है अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है। फिर चलो हार्मोन ना फीमेल बैरियर क्या होता है सर, डायफ्राम, तो देखो डी का 4 कहीं पे आ रहा है, तो डी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आप इस तरह आंसर को टिक लगा सकते हैं। और फिर चेक कर लो बी का क्या कह रहा है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टीलोड 375 और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हार्मोनल रिलीजिंग आईडी LNG20 और प्रोजेस्टा सर्ट होता है, तो इसका आंसर होगा 3। यहां पर भी अगर आपका सही है तो ये वाले में अपने को +4 देना और गलत है तो -1 करना, और ये सही है तो यहाँ पे +4 और -1। अगर अभी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको इस बार दे दे, और हो सकता है कि यहीं से वो क्वेश्चन उठ के आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं जो है एनटीए से बात करके बैठा हूं कि यही क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग देंगे, वहां पे जो टीचर होंगे वो कई लेवल गुना अच्छे होंगे, तो वो उन्होंने क्वेश्चन बनाए होंगे, ये भी उन्हीं के ही क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है। अगला कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। तो पहला, और आपको जो है ऐसे क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, आपको लंबे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने आने चाहिए ताकि आप मेन एग्जाम में जो है अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव ओनली क्या कहते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 मंथ, नहीं, क्योंकि आपको पता था 6 मंथ के लिए ही लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड जो कि हमारा क्या था सर, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन था, वो 6 मंथ के लिए ही बेटर था, तो 7 मंथ बोल रहा है, इसलिए 7 मंथ के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे अगला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो, डायफ्राम प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, क्या डायफ्राम प्रिवेंट करता है कॉन्सेप्शन को बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। आगे एक और पढ़ लेते हैं, आईओडीज डिक्रीजेस फैगोसाइटोसिस स्पर्म विद इन यूट्रस, तो ये गलत हो गया, यूट्रस में थोड़ी करता है, वो तो पहले ही करने लग जाता है। और कॉन्डम्स आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वॉन्ट डिले प्रेगनेंसी, तो देखो मुझे पता था आंसर यही है पर हमें सीधे आंसर से नहीं चलना है, बाकी स्टेटमेंट अभी पढ़ने क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस जोन में। तो कॉन्डम क्या कह रहा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल को प्रेगनेंसी डिले कराता है, नहीं सर वो तो प्रेगनेंसी को रोकता ही है, डिले की तो बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट मिल ही नहीं पाते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो 3 स्टेटमेंट गलत है, 1 स्टेटमेंट सही है। अगर आपका सही है तो ये आप अपने को +4 दो और गलत है तो -1 दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिल्स, पिल्स के रिगार्ड में आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है सर इनकरेक्ट है। तब तक आप इसको पढ़ो, याद बहुत लग रही है, हाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 24 डेज, नहीं, आपको जो मैंने ड्यूरेशन बताई थी वो 21 डेज की होती है, यानी आपको जो है जब दवाई खानी है वो 5th डेज ऑफ प्रेगनेंसी से कब तक खानी थी सर, 25 तक,
तो 20 दिन का टाइम आ रहा है पर वो 21 दिन का होता है क्योंकि फीमेल ने 5 डे पे भी गोली खाई थी और 25 डे पे भी खाई थी, तो 24 डे गलत हो गया। सहेली इज द न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल कंटेन स्टीरॉयडल प्रिस्क्रिप्शन, नहीं ये क्या होता है कि नॉन स्टीरॉयडल होती है। फिर कह रहा है पिल्स आर बी यूज, हमसे इनकरेक्ट पूछा, दो तो मिल गए। पिल्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स हैंस नेम्ड, और डी कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो ये वाला ऑप्शन है क्योंकि दो स्टेटमेंट यहां पे गलत है, तो +4 -1 कर लो, ठीक है जिसका सही है। फिर कह रहा है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, ओवेरेक्टोमी नहीं पढ़ा था, ओवेरेक्टोमी तो ओवरी के रिमूवल होगा, हमने यहां पे पढ़ा था सर फेलोपियन ट्यूब वाली पढ़ी थी, इनक्यूबेक्टोमी पढ़ा था, तो ओवेरेक्टोमी गलत हो जाएगा। हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस का रिमूवल होता है, कैस्ट्रेशन जो है बैल बनाने का मेथड होता है, वैसेक्टोमी होगा इसका, तो आंसर आपका सी होगा। तो करेक्ट है तो +4 और गलत है तो -1, तो आप अपने मार्क्स को काउंट कीजिएगा। अगर आपके जो है 7 सही होते हैं तो अपने को जो है 7 चौके 28 मार्क्स दीजिएगा, 5 सही होते हैं तो आप क्या करेंगे 5 चौके 20, और फिर आप इनकरेक्ट में से माइनस कर लेना और जो अनअटेम्प्ट है उनके लिए 0 मार्क्स देना। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, डीपीपी लगातार बेस पे आ रही है, तो आप डीपीपी पे भी बने रहिएगा। जिस तरह आप लेक्चर में बने रहते हैं, जिस तरह आप लेक्चर को प्यार करते हैं, उसी तरीके से आपको डीपीपी से भी प्यार करना है। क्वेश्चन से आपको देख कर डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है इतने बड़े हैं, क्या इतने बड़े पेपर में आएंगे, आ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। देखो जो अच्छा बायो अटेम्प्ट कर सकता है वो कितने मिनट में कर देना चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 से 35 मिनट, ये मिनिमम और मैक्सिमम 45 मिनट तक जा सकती है। पिछली बार का जो नीट का पेपर आया था, वो पिछली बार का था या उससे पिछली बार का था शायद, मैंने जो दिया था उसमें क्या था, बहुत ही टफ बायो आ गई थी, लगभग 1 आवर में भी चले गया था कईयों का करते करते, मेरा तो बहुत ही आगे चला गया था। तो अगर आपको जो है 720 में से लगभग 600 स्कोर करना है, तो आपको जो है 35 मिनट से 45 मिनट के बीच में आपको बायो कर लेनी होगी, बाद में जो है आप चलना, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, किसी की फिजिक्स अच्छी होती है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, किसी की बायो अच्छी होती है, आपकी जो अच्छी होती है अपने स्ट्रेंथ के अनुसार पेपर करें। पर एक पैटर्न ये होता है कि पहले बायो को निपटाया जाता है, फिर केमिस्ट्री में जाया जाता है, और बाकी समय को फिजिक्स में दिया जाता है ताकि हम क्वेश्चंस को कर सके। तो बने रहिएगा डीपी में भी, थैंक यू, बाय बाय।